जुबैर साहब सलाम अलैकुम। साडा की है, साडा की है। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्या हाल है? मैं चौधरी साहब ताड़ी जगह होना इसे का मुझे चला जाना। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुबैर साहब ये इकरार अभी शर्मिंदगी की बात कर रहे थे, कल तक जो डिफीट थी वो एक उससे शर्मिंदगी हो रही होगी यकीनी तौर पे आपके कैंप्स में, तो एक एम्बैरेसिंग डिफीट आज एक बड़ी मजीद ह्यूमिलिएटिंग विक्ट्री में कन्वर्ट हो रही है। व्हाट वुड आप तजवीज दे रहे हैं अपने कॉलीग्स को और अपनी पार्टी को कि एम्बैरेसिंग डिफीट को गले लगा के सुरखुरू हो एंड लिव टू फाइट अनदर डे वर्सेस ह्यूमिलिएटिंग विक्ट्री को गले लगा के सियासत अपनी जमीन बोस कर दो? मेरा ख्याल आप भी मेरी बात से एग्री करेंगी कि द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी महर द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज टू कंसीड डिफीट, और यही फर्क है पाकिस्तान में और जो जमहूरियत जितनी भी कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, इवन इंडिया जो है, जिधर यूएस है, जिधर डिफीट को एक्सेप्ट किया जाता है वही तो ब्यूटी होती है। ये कौन सा तरीका होता है कि दो नंबरी करके आप जबरदस्ती जीत के आप हुकूमत करना शुरू कर देंगे? व्हाट मॉरल अथॉरिटी वन वुड हैव? और इस किस्म की अगर हमने भी हर इलेक्शन आता है इलेक्शन कमीशन उससे भी ज्यादा ड्यूबियस हरकतें करना शुरू कर देता है, मतलब कोई लिमिट होती है, सुबह 6 बजे तक कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये, मेरे तो क्वेश्चन है अभी भी कि जी अगर सलमान राजा के टोटल वोट्स काउंट हुए थे सुबह 6 बजे से 4,000, तो उसके बाद एक सवाल है आपका जुबैर साहब, सवाल आप तर्जुमान रह चुके हैं मियां साहब के भी, मरियम साहिबा के भी, क्योंकि ये 17 माह की हुकूमत जब लेनी थी तो मियां साहब इसके खिलाफ रहे थे, बल्कि खुद एतराफ कर चुके हैं कि वो रिजाइनिंग की जो पूरी शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो भी लिखी जा चुकी थी, लास्ट मिनट उसे कॉल ऑफ किया था खान बाद। सो यू नो कि किसका रुझान और मिजाज क्या है। आज 5 बजे नवाज शरीफ साहब भी एक तकरीर करने जा रहे हैं, गिवन के वो 17 माह का भी वो बोझ नहीं उठाने के हक में थे और उस पूरे प्रोसेस के फेवर में नहीं थे, आज वो ये इस तरह की जीत जो जीत के भी हारने के मुतरादिफ हो इसको कबूल करने जाएंगे? इस वक्त तो जीत भी नहीं है, इस वक्त एज वी टॉक आपकी स्क्रीन पर, महर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त भी इंडिपेंडेंट 71 है, उसमें से 5 भी निकालते हैं जो जेन्युइन इंडिपेंडेंट होंगे तो पीटीआई लेट वुड बी mid-60s में होंगे, 64-65 होंगे, इस वक्त भी उनके ज्यादा है, तो विक्ट्री स्पीच किस बेसिस पर कर रहे हैं? मतलब आप मुझे खुद बताएं ना कि नंबर्स किस बेसिस पर विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, इसका मतलब आगे के भी रिजल्ट्स पता है। मतलब आप मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि 5 बजे विक्ट्री स्पीच किस पीएमएलएन इज 46, आपकी अपनी स्क्रीन दिखा रही है, कुछ चैनल को 47 दिखा रहे हैं, कुछ 48 दिखा रहे हैं, बट हर चैनल पर दिस इज फार लेस देन द पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स, तो विक्ट्री स्पीच किस लिए करेंगे? इसका मतलब आगे के भी रिजल्ट पता है जो अभी अब नहीं आप तो इधर हमारे साथ फोन पे हैं, मगर आप जैसा कोई होगा मियां साहब के आसपास जो ये कान में पूछ रहा होगा सर किद्दों की विक्ट्री स्पीच? नहीं ऐसा कोई भी नहीं होगा, ये तो मैं आपको अश्योर, वो फिर करीब नहीं होगा।